आओ अंग्रेजी सीखे पाठ 14। नमस्ते, मैं सुनीता दीक्षित और आप सब की सुनीता दीदी। तो हम फिर हाजिर हैं, हमेशा की तरह माधवन का गिरना पड़ना, रंजना की बड़बड़ और संतोष के सवाल पर सवाल। लेकिन क्या हुआ, इसी के जरिए ही तो आप सब बहुत सारी अंग्रेजी सीख रहे हैं। देखना अब वो गिरेंगे पक्का। पक्का, देखो कितने जोर से कुर्सी को झुला रहे हैं, इतना पीछे जाएंगे तो। ए माधवन, यू विल फॉल डाउन। स्टॉप रॉकिंग दैट चेयर। नो, डोंट वरी सुनीता दीदी, आई वोंट फॉल। उफ रंजना, इट इज सो हॉट, गर्मी हो रही है, प्लीज पुट ऑन द फैन। आज बिजली नहीं है, खिड़की खोल दो, अच्छी हवा आएगी। संतोष खिड़की खोलना। सुनीता दीदी अंग्रेजी में कैसे बोलूं? खिड़की खोलना, ओपन द विंडो। ओपन द विंडो संतोष, प्लीज बोल तभी खिड़की खोलूंगा। प्लीज ओपन द विंडो संतोष। थैंक यू। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, खिड़की को तो विंडो कहते हैं पर दरवाजे को क्या कहते हैं? ये मैं भूल गया, आप दोबारा बता सकते हैं? डोर, दरवाजा या द्वार। डोर सुनने में भी थोड़ा एक जैसा ही लगता है ना, द्वार डोर। ओपन द डोर राइट। ओपन द डोर क्या, दरवाजा तो खुला ही है। अलमारी को अंग्रेजी में कबर्ड कहते हैं, अलमारी कबर्ड। ओपन द कबर्ड। जना अलमारी छोड़, आईना टूट जाएगा। मिरर, आईना, आईना मिरर। गुड माधवन, आईना मिरर। मिरर, दिस इज अ मिरर। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, टेबल को अंग्रेजी में टेबल ही कहते हैं क्या? ये सही नहीं है रे? सही है, टेबल को टेबल ही कहते हैं। टेबल एक अंग्रेजी शब्द है। दिस इज अ टेबल एंड दिस इज अ बेड, मतलब पलंग बेड, दिस इज अ बेड। रंजना, This is a big bed for a small girl. क्या कहा उन्होंने? उसने कहा big bed, मतलब बड़ा पलंग। Small girl, मतलब छोटी लड़की। मतलब छोटी सी बच्ची के लिए इतना बड़ा पलंग। मैं छोटी नहीं हूँ, तू छोटा है। I am a big girl. I am a big boy. माधवन संभालना। हाँ कुर्सी गिर सकती है। माधवन माधवन बी केयरफुल योर चेयर। नो 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 आई एम ओके। सॉरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी सॉरी रियली सॉरी। लगी क्या? नो नो आई एम ओके। मैंने तुमसे कहा था ना जोर से गिरे हैं। ओके ओके, यू टेल मी इन इंग्लिश, What is this? This is a chair. आज के पाठ में आपने कुछ नए शब्द और वाक्य सीखे हैं। अब आप इन्हीं वाक्यों को दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगली भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। डोर मतलब दरवाजा, विंडो मतलब खिड़की, कबर्ड मतलब अलमारी, मिरर मतलब आईना, चेयर मतलब कुर्सी। व्हाट इज दिस? This is a table.
What is this? This is a chair. What is this? This is a door. What is this? This is a window. दोस्तों अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में आप जहां भी हो मेरे कहे मुताबिक ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते ही आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। सबसे पहले हम कुछ अंग्रेजी शब्दों का अभ्यास करेंगे। तुम सब मेरे बाद इन शब्दों को बोलो। उच्चारण की ओर ध्यान देना। पहला शब्द है डोर, मतलब दरवाजा। तुम सब मेरे बाद एक साथ बोलो, डोर। खिड़की को विंडो कहते हैं। मेरे बाद दोहराओ, विंडो। अलमारी को कहेंगे कबर्ड। मेरे बाद बोलो, कबर्ड। आईना, मिरर। मेरे बाद बोलो तो मिरर। कुर्सी को चेयर कहते हैं। मेरे बाद दोहराओ, चेयर। और मेज, मेज को टेबल कहते हैं। मेरे बाद बोलो तो टेबल। आज तुमने एक और नया प्रश्न सुना, व्हाट इज दिस, ये क्या है। व्हाट मतलब क्या, याद है ना। पहले केवल प्रश्न को दोहराओ। चलो सब मिलकर मेरे बाद बोलो, व्हाट इज दिस। अब ऐसा करेंगे कि तुम एक दूसरे से प्रश्न पूछना। दरवाजे की ओर इशारा करते हुए एक बच्चा पूछेगा, व्हाट इज दिस, यानी ये क्या है। तब दूसरा बच्चा उत्तर देगा, दिस इज अ डोर, ये दरवाजा है। घंटी बजने पर टीचर जी दो बच्चों को खड़ा करेंगे। दो बच्चे खड़े हुए। चलो एक बच्चा दरवाजे की ओर उंगली से इशारा करते हुए पूछेगा, व्हाट इज दिस। तब दूसरा बच्चा अंग्रेजी में उत्तर देगा। शुरू करो। अब दूसरे दो बच्चों की बारी। दूसरे दो बच्चे तैयार हैं। अब एक बच्चा खिड़की की ओर उंगली दिखाते हुए अंग्रेजी में पूछेगा, व्हाट इज दिस, और दूसरा बच्चा अंग्रेजी में उत्तर देगा। शुरू करो। व्हाट इज दिस, ये क्या है। प्रश्न ऐसे ही पूछा ना, और उत्तर में कैसे बोला, दिस इज अ विंडो, ये खिड़की है। शाबाश। अब दूसरे दो बच्चों की बारी। ये बच्चे कुर्सी के बारे में बोलेंगे। तैयार। एक बच्चा कुर्सी की ओर उंगली दिखाते हुए पूछेगा, व्हाट इज दिस, और दूसरा अंग्रेजी में ही उत्तर देगा। शुरू करो।
What is this? This is a chair. ऐसे ही प्रश्न उत्तर किया ना, शाबाश। अब दूसरे दो बच्चों की बारी। दूसरे दो बच्चे तैयार हैं। अब एक बच्चा टेबल की ओर उंगली दिखाते हुए अंग्रेजी में पूछेगा, What is this? और दूसरा बच्चा अंग्रेजी में उत्तर देगा। शुरू करो। What is this? This is a table. ऐसे ही प्रश्न उत्तर किया ना, अब दूसरे दो बच्चों की बारी। दो बच्चे खड़े हुए, चलो। एक बच्चा दरवाजे की ओर उंगली से इशारा करते हुए पूछेगा, What is this? तब दूसरा बच्चा अंग्रेजी में उत्तर देगा। शुरू करो। वेरी गुड। पाठ समाप्त होने पर टीचर जी ऐसा ही अभ्यास बाकी बच्चों से भी करवाएंगे। डोर, विंडो, टेबल, चेयर, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्न उत्तर करना है। पर उससे पहले वही अंकों वाला गाना फिर सुनते हैं। आप सबको साथ साथ गाना भी है, मंजूर? Six and a seven and a eight, nine, ten. We love to count again. 11 and a 12 and a 13, 14, 15. 13, 14, 15. 13, 14, 15. 16 and a 17 and a 18, 19, 20. You love to count with me. आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। याद है ना, टीचर जोड़ियां बनाकर आप सबसे अभ्यास करवाएंगे। तो अब हम मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा